सरायकेला खरसावा जिले में चांडिल डैम की ऊपरी सतह पर स्वर्ण रेखा नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। इससे इलाके के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। वो नदी जो लाखों लोगों की प्यास बुझाती है, वो नदी जो लाखों लोगों का पेट भरती है, वो नदी जो कई जीवों को पनाह देती है, वो नदी जो पेड़ पौधों और गर्मी में तपती धरती को शीतलता प्रदान करती है, आज वो नदी खुद ही बूंद बूंद को तरस रही है। हम बात कर रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी की। ये नदी झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ और कुकरू प्रखंड की लाइफलाइन मानी जाती है। ये वही नदी है जो लौह नगरी जमशेदपुर को भी पीने का पानी उपलब्ध कराती है, मगर अफसोस आज ये नदी खुद अपने वजूद के लिए तरस रही है। जहां तक नजर जाती है बस रेत ही रेत नजर आती है। चांडिल डैम की ऊपरी सतह पर नदी पूरी तरह सूख चुकी है। चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर ईचागढ़ के निचले हिस्से में बनी हुई है, जो बंगाल, ओडिशा और बिहार राज्यों के लिए पानी पहुंचाने का काम करती है। इस डैम के माध्यम से टाटा जैसी कई कंपनियों को पानी उपलब्ध होता है। सरकार डैम के गाद की सफाई और मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, मगर ये खर्च भी सिर्फ कागज पर ही सिमट कर रह जाता है। स्वर्ण रेखा नदी पर एक बड़े इलाके के किसान खेती के लिए आश्रित हैं, लेकिन गर्मी की शुरुआत से पहले ही किसानों के सामने सिंचाई की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जो हमारी सुवर्णरेखा नदी जो है उसमें पानी सब पूरा सूख गया है। जो हम लोग गड्ढा खोद के पंप सेट चला रहे हैं, जो केरासिन वाला पंप सेट है उसमें हम लोग का केरासिन का इतना महंगाई के जमाने 80 रुपया 90 रुपया के लीटर से केरासिन हम लोग खेत पटवाते हैं। अगर इस हिसाब से अगर लिफ्ट वेरिफिकेशन कोई उपाय हो तो हम लोग इससे अच्छे तरह से हम खेती कर सकते हैं। जैसे हम लोग हमारे गांव में अभी 15 से 20 एकड़ में रबी का फसल खेती कर रहे हैं हम लोग। सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन अभी पता चला है कि समिति वाले से कुछ सोलर पंप सेट मिलने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है अभी तक। स्वर्ण रेखा नदी में पानी का कम होना निश्चित ही चिंता का विषय है। जरूरी है कि सरकार नदियों के गाद की सफाई करे और डैम के पानी को तय समय पर नदी में छोड़ा जाए, ताकि नदी की धारा अविरल बहती रहे। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि नदी पर आश्रित उन तमाम लोगों को फायदा मिलेगा जिनका जीवन यापन इससे चलता है। नेशनल न्यूज के लिए सरायकेला खरसावा से विद्युत महतो की रिपोर्ट।